जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। कौन सी भर्ती आई है आप सभी के लिए, आप इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का कि सर कब आएगी कब आएगी, तो साथियों आ चुकी है, अब इंतजार खत्म हो चुका है। देखिए कौन सी है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 में आर ए सी बटालियन का बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि सर आर ए सी बटालियन की कब आएगी, तो भाई साहब विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, टेंशन ना ले, ठीक है। और इसमें एक पोस्ट हो रहा है RISF, है ना, तो इनकी न्यू अपडेट जारी हुई है। अब सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। अब आपकी कमी किस चीज की रहने वाली है, बस आपकी रहेगी तो एग्जाम की रहेगी। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब आपको इसमें जाने का मौका मिल सकता है। तो साथियों इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। भाई विज्ञप्ति जारी हुई है तो लगभग में कितने पद हो सकते हैं, समझ रहे हो, लगभग कितने पद इसके निकल सकते हैं, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, क्या इसमें सीईटी भी लागू है, है ना। काफी लोगों को डाउट होता है कि सर इसमें सीईटी लागू है या नहीं है, तो सारी जानकारी मिलने वाली है। एज भी बताएंगे कि भाई इसमें एज कितनी मांग रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भाई आरएसी बटालियन है तो उसकी ड्यूटी कहां कहां लगती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में। और आप हमारी पिछली वीडियो भी उठा के देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। बस आप ऐसे बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहां पे इसकी ड्यूटी लगती है, क्या इसमें सीटी लागू है, और क्या क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, और लगभग में इसमें कितने पद शामिल हो सकते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो राजेश सर हमारे साथ है जो कि आपको पूरी जानकारी देने वाला है। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, बस टेंशन मत लीजिए, अब विज्ञप्ति जारी हो गई है तो कुछ ही महीनों में इसकी जो भर्ती है ये देखने को मिल सकती है, बस टेंशन मत लो। तो राजेश सर पूरी जानकारी बताइएगा। जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आरएसी बटालियन और आरआईएसएफ बटालियन काफी दिनों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर वो भर्ती कब आएगी, वो भर्ती कब आएगी, उसके बारे में कुछ सूचना है क्या, तो सूचना आ चुकी है, आपके सामने शेयर करने वाले हैं। इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि इतने इतने पद हैं, इस प्रकार से भर्ती शामिल हो सकती है और आपको जल्दी ही ये देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए क्या क्या बातें हुई है वो विज्ञप्ति भी आपको दिखाएंगे, उसमें देखो एक तो आपके आरएसी और एक है आपकी आरआईएसएफ। जैसे आपकी आरएसी बटालियन होती है उसी प्रकार से आरआईएसएफ भी निकलेगी। बिल्कुल। अब बात यह है कि सर आरएसी बटालियन तो अलग होती है, आरआईएसएफ अलग है, तो उस विज्ञप्ति में ये बात हुई है कि भाई आरआईएसएफ को अगर अलग से निकालेंगे तो इसका अलग से गठित किया जाएगा, तो अलग से इसका सारा सिस्टम मैनेजमेंट अलग से करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको भी इस आरएसी बटालियन में ही एक हिस्सा दे दिया जाए, समझ रहे हो। तो इस बात को लेकर के हम आपको समझाते हैं कि आरएसी का अर्थ क्या होता है, आरआईएसएफ का अर्थ क्या होता है, आरआईएसएफ में आप लगोगे तो कहां कहां आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। देखो एक तो होती है आरएसी बटालियन, जिसको क्या बोलते हैं, राजस्थान आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी, समझ रहे हो, हिंदी में बोले तो राजस्थान सशस्त्र कॉन्स्टेबलरी, ये तो होती है आरएसी बटालियन। यहां आप बैच देखोगे ना तो यहां आरएसी लिखा मिलेगा आपको, तो समझ जाना ये आरएसी बटालियन है, समझ रहे हो। उसमें भी कितने प्रकार, जैसे महाराणा प्रताप बटालियन रहती है, 13वीं बटालियन रहती है जो जेल की सुरक्षा करती है, जेल में ड्यूटी लगती है, आपने देखा हो कहीं पे भाई आते जाते रास्ते से निकलते बढ़ते देखते हो तो जेल होती है उसके गेट पर बैठे रहते हैं, तो यहाँ देखा करो आरएसी के बैच लगे रहते हैं, वो समझ जाया करो कि ये 13वीं बटालियन के जवान हैं बिल्कुल, जिनकी जेल में ड्यूटी लगी है। 14वीं बटालियन में जैसे हाड़ी रानी महिला बटालियन है, समझ रहे हो, इस प्रकार से आरएसी बटालियन होती है। तो अब जो आरआईएसएफ बटालियन है ये भी एक इसी फोर्स में रहेगी,
इसकी ड्यूटी अलग रहेगी। इसकी ड्यूटी क्या रहेगी? आरआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि उद्योग जो है, कारखाने जो हैं, उनमें इनकी ड्यूटी लगने वाली है, वहां उनकी सुरक्षा करने का काम रहेगा। और ये जो आरआईएसएफ है ना दोस्तों, ये सीआईएसएफ की तर्ज पे निकल रही है। जैसे अपने सीआईएसएफ के जवान देखते हो आप, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समझ रहे हो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होते हैं, इसी प्रकार ये केंद्र में होते हैं और ये अपने राजस्थान में रहेंगे। आरआईएसएफ ये भी एक बटालियन ही रहेगी जो कि अलग से नहीं होगी, इसी में शामिल कर दिया जाएगा इसको भी। आरएसी बटालियन के लगभग 2500 या 3000 के पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे पद है, टेंशन मत लो, बस आपकी तैयारी जबरदस्त रखो, बस समझ रहे हो, जब तक तैयारी रहेगी ना आपकी, तो 2500 क्या कम भी आ जाए, चाहे 1500 आ जाए, तो आप फाइट कर सकते हो। और अगला है आरआईएसएफ बटालियन, उसके तो 2000 पद फिक्स हैं, वो तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, 2000 पद आरआईएसएफ के निकलने वाले हैं। इन दोनों की ही योग्यता 10वीं पास है, बिल्कुल 12वीं का झंझट खत्म, लपड़ा खत्म। अगर आप 10वीं में पास हो, ऐसा नहीं है कि आपकी 40% हो, 50% हो, सीधा सट 10वीं पास की मार्कशीट लगाओ और फॉर्म भरो, बिल्कुल। तो 10वीं पास है दोनों के लिए। अब सर जी 18 से कितनी होगी? भाई 18 से देखो 25 तो है ही है, फिर उसके बाद में आयु में छूट है, तो किसी को 28 है, किसी को 30 है, जो भी वो भर्ती की नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा और आपको बता देंगे, ठीक है सर। तो आरएसी आरआईएसएफ के टोटल मिलाकर के 5000 पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। इसमें सीईटी भी लागू है क्या सर जी? अरे सीईटी का तो झंझट तब होता जब ये 12वीं पास होती, बिल्कुल, लेकिन ये कौन सी पास है? ये 10वीं पास है, और 10वीं पास में सीईटी का लपड़ा नहीं है। भाई सीईटी तो उसमें होती है क्या, तो ग्रेजुएट हो नौकरी, हाँ, या फिर 12वीं पास हो, बिल्कुल सीईटी लागू होती है। ये तो आपकी 10वीं पास लेवल नौकरी है, इसमें कोई सीईटी का लपड़ा नहीं है, आप तो अपने आराम से तैयारी करो परीक्षा की बस। सर जी इसमें भी पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगा? देखो इसमें पहले एग्जाम की बात सामने आई है कि भाई इसमें परीक्षा होगी, और उसके बाद परीक्षा में आपको पास होंगे तब आपको फिजिकल में शामिल किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें एग्जाम है तो आप 10वीं पास हो तो फॉर्म तो आप भर दोगे, फॉर्म भर दोगे तो एग्जाम भी दोगे। फिर भाई ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म भर दिया तो अब एग्जाम नहीं होगा आपका, भाई फॉर्म भर दिया है तो एग्जाम भी देने जाओगे आप, जैसे हर साल जाते थे, भर्ती निकलती थी उस हिसाब से। अब रही बात सर फिजिकल में किसको बुलाएंगे, तो भाई फिजिकल में ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको जैसे 50,000 बुला लें, ठीक है, फिजिकल के लिए इस प्रकार से 53,000 बुला लें, उनके हिसाब से जो जो उनको ऊपर ऊपर लगेगा उस हिसाब से बुला लेंगे वो। जैसे भाई 40% वालों को बुलाते हैं या 50% वालों को बुलाते हैं, जितना आप परसेंट उसमें लाते हो ना एग्जाम में, उस हिसाब से वो बुलाएंगे आपको। तो मान लीजिए 50,000 भी यदि फिजिकल के लिए बुला रहे हैं तो आपका फिजिकल रहेगा, फिजिकल आपको करना होगा, इसलिए आप अभी से एग्जाम की तैयारी यदि आप करते हो तो आप फिजिकल में भी आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा ड्यूटी क्या रहती है? ड्यूटी देखो सीआईएसएफ की ड्यूटी क्या रहती है? मेट्रो वगैरह हो गए, एयरपोर्ट हो गए, परमाणु संस्थान हो गई, है ना, औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, कल कारखाने हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनकी सुरक्षा करना सीआईएसएफ का काम रहता है। तो इसी के अनुसार अपने भी जो आरआईएसएफ है वो राजस्थान में ड्यूटी करेगी, और राजस्थान में भी अपने भाई मेट्रो चलती है, समझ रहे हो, तो वहां ड्यूटी लगेगी, परमाणु संस्थान है वहां ड्यूटी लगेगी, एयरपोर्ट अपने भी हैं, राजस्थान में नहीं है क्या एयरपोर्ट बताओ? जयपुर सांगानेरी है एयरपोर्ट, ऐतिहासिक स्मारक हैं अपने, किले महल छतरियां बहुत सारे हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी अपने कम नहीं है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है अपना भी, तो वहां पे आपको उनकी सुरक्षा करनी है और वही आपकी ड्यूटी रहने वाली है। तो ये नई अपडेट जारी हुई है,
आपके सामने, अगर तैयारी में थोड़ा ढीला पड़ रहे हो ना तो थोड़ा दबा के लगो मेरे दोस्तों, अच्छी तैयारी करो। दसवीं पास भर्ती है, कोई इसमें सीटी वीटी का लपड़ा नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।